हाय गाइज, मैं विनोद और आप देख रहे हैं टेकी गुडी चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप रियलमी 8i में कॉल रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे। कॉल रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर देगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देगा ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। सो गाइज, चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। कॉल रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको सबसे पहले कॉल पैड पे क्लिक करना है। सो गाइज, मैं कॉल पैड पे क्लिक करता हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको राइट साइड में ऊपर दो डॉट पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके का बिज इंटरफेस होगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको कॉल रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके का बिज इंटरफेस होगा। यहाँ पे आपको कॉल रिकॉर्डिंग के सारे ऑप्शन आ जाएंगे। सो फ्रेंड्स, मैं आपको इन ऑप्शन के बारे में एक एक करके बताऊंगा। यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन देखा रिकॉर्ड स्पेसिफाइड नंबर का। सो फ्रेंड्स, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। इस पे क्लिक करना फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके का बिज इंटरफेस होगा। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँ कि आप किस तरीके से किसी एक स्पेसिफाइड नंबर को रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स आपको किसी भी एक स्पेसिफाइड नंबर को रिकॉर्ड करना है, उसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक राइट साइड में ऊपर एक प्लस का सिंबल या फिर ऐड का सिंबल मिल जाएगा, आपको उस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करना फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे। जो भी नंबर फ्रेंड्स आपने कॉन्टैक्ट में सेव कर रखा है, अगर आपको उन नंबर में से किसी भी एक नंबर को रिकॉर्ड के लिए ऐड करना है तो फ्रेंड्स यहाँ से आप उस नंबर को रिकॉर्ड के लिए ऐड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको पहले उस नंबर को सेलेक्ट कर लेना है। सो फ्रेंड्स मैं दो नंबर्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ऊपर एक राइट साइड में ऐड का सिंबल मिल जाएगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते फ्रेंड्स आपके ये नंबर रिकॉर्ड के लिए ऐड हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स इस तरीके से आप कॉन्टैक्ट्स वाले नंबर रिकॉर्ड के लिए ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे कॉल्स वाले नंबर में से किसी एक नंबर को रिकॉर्ड के लिए ऐड करना है तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में ऊपर कॉल्स का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको उस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करें फ्रेंड्स, यहाँ से आप उस नंबर को रिकॉर्ड के लिए ऐड कर सकते हैं। उसके लिए फ्रेंड्स आपको पहले उस नंबर को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको राइट साइड में ऊपर ऐड का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते फ्रेंड्स आपका वो नंबर रिकॉर्ड के लिए ऐड हो जाएगा। सो फ्रेंड्स इस तरीके से आप किसी भी एक नंबर को रिकॉर्ड के लिए ऐड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये तो था हमारा फर्स्ट ऑप्शन। अब बात करते हैं फ्रेंड्स सेकंड ऑप्शन की। सेकंड ऑप्शन देखा हमारा रिकॉर्ड अननोन नंबर्स। जैसे फ्रेंड्स आपको किसी भी एक अननोन नंबर से कॉल आता है और अगर आपको उस कॉल को रिकॉर्ड करना है तो अगर आप इस सेटिंग को इनेबल कर देंगे तो फ्रेंड्स आपको किसी भी एक अननोन नंबर से कॉल आएगा तो फ्रेंड्स आपका वो कॉल रिकॉर्ड होगा अगर आप इस सेटिंग को इनेबल कर देंगे। तो फ्रेंड्स मैं सेटिंग को इनेबल कर देता हूं। इसको इनेबल करते फ्रेंड्स मेरा किसी भी अननोन नंबर से कॉल आएगा तो फ्रेंड्स वो कॉल मेरा रिकॉर्ड होगा। सो फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम थर्ड ऑप्शन की। थर्ड ऑप्शन देखा हमारा रिकॉर्ड ऑल कॉल्स। जैसे फ्रेंड्स अगर आप इस सेटिंग को इनेबल कर देंगे तो इसको इनेबल करते फ्रेंड्स आपके ऊपर वाले दो ऑप्शन हट जाएंगे क्योंकि फ्रेंड्स ये सारे कॉल्स को रिकॉर्ड करेगा, स्पेसिफाइड और अननोन नंबर दोनों। सो फ्रेंड्स मैं सेटिंग को इनेबल कर देता हूं। इसको इनेबल करते फ्रेंड्स मेरे ऊपर वाले दो ऑप्शन हट चुके हैं क्योंकि फ्रेंड्स ये सारे कॉल्स को रिकॉर्ड करेगा। सो गाइस इस तरीके से आप कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।